Boom, baby. Boom, baby. मैं जैसे मैंने baby. Boom, baby, man. साजिद, कोई आया है पीछे? आया है पीछे, आया है पीछे. Boom, baby. Boom, baby, यार. हेलो फ्रेंड्स, बेट्स एंड बाइट्स फिशिंग एडवेंचर ऑफ अंडमान के आज के हमारे नए एपिसोड में आपका स्वागत है. और आज का जो फिशिंग है वो फिशिंग हम सवेरे करने के लिए धमाकेदार. अजीज पहली बार कुछ बोल रहे हैं धमाकेदार, यानी कि आज का फिशिंग जो है ओपन सी फिशिंग हमने किया है. सुलेमांस, अजीज और साजिद, ये हम तीन त्रिमूर्ति जो अंडमान निकोबार आइलैंड से बेट्स एंड बाइट्स फिशिंग एडवेंचर ऑफ अंडमान के यूट्यूब चैनल को चलाते हैं और ये चैनल बिगिनर्स के लिए है. तो आज हमने काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि यार वेदर हमारा ख़राब चल रहा है यहाँ का, तो ओपन सी में गए थे नहीं फिशिंग करने के लिए. लेकिन आज हमको मौका मिला, एक अच्छा ग्रुप मिला, उनके साथ हम फिशिंग करने के लिए गए हैं. और साजिद बार बार अपने फिश को पकड़ रहे हैं कि वो कहीं चला ना जाए. कुछ कैच किया है, बहुत ही बढ़िया फिशिंग आज हमने किया है. और कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है. और कुछ दिखा देते हैं कि क्या कैच किया है. तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा शिकार है ब्लूफिन ट्रेवली, जायंट ट्रेवली, फिर से एक ट्रेवली, टॉक टू टूना और एक ब्लूफिन ट्रेवली. बूम बेबी. उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है ना कि आप पूरा देखें. अगर 20 मिनट का वीडियो बनता है तो आप उसको पूरा देखें, क्योंकि आज आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. खुले समुद्र में अगर अंडमान में अगर फ्यूचर में आते हो या बाहर कहीं जाते हो आप फिशिंग करने के लिए, फॉरवर्ड करके ना देखें, एकदम आराम से देखें, इत्मीनान से देखें, हेडफोन लगा कर देखें, ईयरफोन लगा कर देखें. और जब मज़ा आता है तो उसी वक्त लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को हमारा, और बेल आइकन का बटन को दबाना मत भूले, क्योंकि जब भी हम अपना नया कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. अजीज कुछ बोलेंगे? कमेंट्स करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो हमें भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आप सवाल पूछते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें. फिशिंग करें, फिशिंग को एंजॉय करो और क्या. तो गाइस, होप करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको मज़ा आएगा, तो आप पूरा वीडियो देखें. और बूम बेवे फ्रॉम बेट्स एंड बाइट्स फिशिंग एडवेंचर ऑफ अंडमान. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कास्ट मैं एक नए लोकेशन में ओपन सी फिशिंग में आया, और मैं यूज़ कर रहा हूँ रपाला मैग्नम ट्रे. और मेरे पीछे अजीज और साजिद जो है वो यूज़ करेंगे पॉपर हाल्को का. सामने एक बेट बॉल है तो हम बेट बॉल को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बेट बॉल में हमेशा सवेरे के वक्त ट्रिवेली रहता है. तो दो पॉपर साजिद और अजीज पॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बीच में मैं मैग्नम प्रे यूज़ कर रहा हूँ. एक बेट बॉल को टारगेट कर रहे हैं अजीज, हाल्को का पॉपर यूज कर रहे हैं. नजर आ रहा है. ओ हो हो, ओह बेबी, हुक अप दिया. ओके, लवली, नाइस वन. ये तो ड्रैग, यही तो चाहता है हम लोग कि वो ड्रैग लेकर जाए, ड्रैग लेकर जाए हम चाहते हैं. बस इनफ, इतना ड्राइंग इनफ. पेन का पैडल 3 है.
मैं कुछ घूम गया था। ये इनका दूसरा फिश है साजिद का। ये भी डॉक्टर है? नहीं नहीं, ये जीटी है, ये जीटी है। जैसे ही मैं रेडी हो रहा था कास्ट करने के लिए, वैसे ही साजिद को फिश लग गया। ये हाई टाइड का टाइम है, हाई टाइड के टाइम में फिश जो है करंट में ट्रैवल करता है, खास करके ट्रिवली। और देखिए कि बड़ा कूल है साजिद, इतना कोई हड़बड़ा नहीं रहा है, फिश को थकने दे रहा है, सरेंडर कर देता है फिश जब आपका ड्रैग अच्छा हो। 18-20 किलो का ड्रैग जब आपके रील के अंदर है तो फिश जो है जल्दी सरेंडर कर लेता है। मैं जो बिगिनर्स उनको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से फिश जब कोई ट्रिवेली आपको लग जाता है तो किस प्रकार से हैंडल करता है। ये कुछ जान लगा रहा है, इतना जल्दी ये हथियार नहीं डालना चाह रहे हैं। ट्रिवेली, यस ट्रिवेली मैन। नो नो नो, ट्रिवेली है, हुक सब लगा है। लीडर हाथ में ले लें और वो जैसे ही फिश ऊपर आता है उसके पूंछ के हिस्से को पकड़कर ऊपर बोट में लैंड करना होता है। ओ बूम बेबी, ये साजिद का दूसरा, पहले डॉग टू टूना फिर एक अभी जान ट्रिवेली। मम्मी है और जिस तरीके से हमको असिस्ट कर रहे हैं, जो हमारी टीम है हमारे साथ, वो बहुत अच्छे तरीके से हमको असिस्ट कर रहे हैं। बूम बेबी, एक फोटो शूट है। आप पॉपर हैवी पॉपर ज़्यादा देर तक आप कास्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप थक जाओगे, क्योंकि उसका पानी बहुत ज़्यादा पकड़ता है उसका सरफेस। पानी में अच्छा खासा करंट है, इसको फील कर रहे हैं। अजीज थक गए होंगे क्योंकि बड़ा जीटी उन्होंने लैंड किया है, उसके बाद एक ब्लोफिन को लैंड किया बोट में। बेल्ट, बड़े फिश को जब आप कैच करते हो या बाइट कर लेता है लोर को, आप फील करना शुरू करते हो तो कि फिश बड़ा है, तो बेल्ट, फिश फाइटिंग बेल्ट आप पहन लें, जो हमने रखा हुआ है, अब तक उसकी ज़रूरत आई नहीं है। ये अंडमान का समुंदर है, हम कुछ बोल नहीं सकते कि कब इसकी ज़रूरत आ जाए। तो बहरहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी बूम बेबी, ये है साजिद। ड्रैग को उतना मत पकड़ो, बेल्ट चाहिए तो बोल देना। साजिद, ओह तोड़ दिया या निकल गया? ओह हो, हुकअप, सेकंड में हुकअप दो साजिद, हुकअप और एक यस, अब वो हो गया यार। जान दे कोई नहीं। ओ लवली बूम बेबी यार, दो बार चेस, दोनों बार पकड़ा, वो कब भी दिया, लेकिन जो भी था दमदार दमदार था।
साजिद का नया रॉड है, तो साजिद काफी दिन से बोल रहे थे कि इस रॉड से फिश को देख। इस बार नो मर्सी, कम ऑन साजिद, नियोबी का स्टिक बेट है। एंगलर साजिद बेट्स एंड बाइट्स फिशिंग एडवेंचर वंडमान बूम बेबी ब्लूफिन ट्रिवेली देख लेना, पंगा माना प्रोपेलर में ना चला जाए। ओहो गलती से ब्लूफिन है साजिद, बैक साइड चले जा आराम से, ब्लूफिन ट्रिवेली। और साजिद जिस प्रकार से रॉड को हैंडल कर रहे हैं आप देखें कि पैनिक नहीं हो रहा है, ज़्यादा पैनिक हो नहीं रहा हूँ। ओ हो हो, नॉट अ बनीटो मैन, आई थिंक ब्लूफिन, सॉरी टूना है ना, डॉग टूथ है मैन, डॉग टूथ टूना। ओह बूम बेबी, अया बूम बेबी, डॉग टूथ टूना लूर है आपका नियोबी का। या कमाल देखिए, शांत 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 साजिद का। यस बूम बेबी, बकटेल जिग से कोरल ट्राउट बकटेल जिग में, लवली फिश, बहुत ही सुंदर है और उसको हम रिलीज कर देंगे, बहुत ही सुंदर कोरल ट्राउट। ये हमारे अंडमान सी में आपको अमूमन कई जगहों पर मिल जाता है। तो बेट बॉल जो है सामने से जरा सा हटा है, परफेक्ट कास्ट की है अजीज ने, सही ड्रॉप किया है, सीधा बेट बॉल के ऊपर ही ड्रॉप किया। ऐसा लगा मुझे कि कोई आया है पीछे, आया है पीछे, आया है पीछे, बूम बेबी बूम बेबी। यार बेल्ट चाहिए, बेल्ट चाहिए, कास्ट कर कास्ट कर, वहां फिश रहेगा, कास्ट करो। सीमानो सारागोसा 14,000 सीरीज का ये रील है और अजीज फाइट कर रहे हैं और ऐसे पोजीशन में अजीज खड़े हैं कि मैं ड्रैग फुल है तो पॉपिंग जैसा अजीज ने किया है बेट बॉल के ऊपर, अगर आप सही पॉप करोगे तो वहां पर फिश आपको लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ड्रैग का वो साउंड आपको सुना पाऊँ, लेकिन अजीज जो है वो घूम कर कड़ा हो गया है। रॉड इनका पेन का वार्मंगर है, वन ऑफ द टफेस्ट रॉड इन द मार्केट, और साजिद उनको असिस्ट करने के लिए गए हैं। भाई पेके है तो पेके उसे। अच्छा फाइट दे रहा है, मैं रॉड को दिखाना चाहूँगा, साजिद जरा सा पीछे हो जाओ। रॉड ये वार्मंगर, वार्मंगर का रॉड है और ये ड्रैग ले रहा है, और ये ड्रैग ले रहा है। बूम बेबी, तो काफी काफी दिन के बाद अजीज साजिद और सुलेमान तीनों एक साथ फिशिंग के लिए निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि दूसरे तीसरे कास्ट में ही यार एक जीटी लगा है। वार्मंगर को इतना फाइट दे रहा है अजीज, बड़ा है, बढ़िया फाइट दे रहा है।
तो इंतजार ये है कि रॉड जो है ड्रैग ड्रैग ये साउंड को हम लोग सुनने के लिए आते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं जब आप अंडमान आते हो या कहीं ऐसे कुछ इलाकों में जाते हो फिशिंग करने के लिए, खास करके जीटी को टारगेट करते हुए, तो आपको करना ये है कि आप बेट बॉल को ढूंढें, कुछ रॉक्स एरिया को देखें, और खास करके जीटी जहां पर ज़्यादा करंट रहता है और ये जो करंट में जीटी जो है वो ट्रैवल करता है, और ड्रैग थोड़ा दे दो दिए बस बस ज़्यादा नहीं। ये साइज़ का ये मॉन्स्टर है, नो डाउट ये मॉन्स्टर है, क्योंकि रॉड पेन का वॉर्मंगर है, पेन का वॉर्मंगर रॉड कितना टफ है वो आप सभी जानते हैं। और हमारे साथ अंदर से एक परछाई आपको नज़र आएगा जब ट्रिवेल या जीटी को आप ऊपर लाते हो पोर्ट में लैंड करने के लिए। मीडियम साइज फाइट दे रहा है उनको, यस हल्को का पॉपर है, मॉन्स्टर साइज, मॉन्स्टर साइज, और उसको लैंड करने के लिए साजिद। ओहो बूम 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 बेबे, ये है ट्रिवेलिंग जायंट ट्रिवेलिंग। आई नीड माय ड्रॉपिंग, ड्रैग दिखाओ, ड्रैग दिखाओ, पहले ड्रैग सुनाओ पहले, फुल जाम। चलो एक फोटो शूट हो रहा है वीडियो के बीच में, सामने एक बेट बॉल नजर आया है, मैग्नम से कट कर जीटी आइसक्रीम मैं यूज करूंगा मैग्नम पे, और साजिद यूज करेंगे आलको का पॉप। साजिद ने ओहो मेरा चेस किया था, मेरा चेस किया था, मैग्नम ब्रेक को चेस किया था, मैग्नम ब्रेक को चेस किया था जीटी ने, इस बार उसको निकाल। बूम बेबी बूम बेबी, मैं जैसे मैंने कहा कि इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, इस बार मैं निकालूंगा। वीडियो साजिद निकालेंगे, फोन आकर ले लो, रपाला मैग्नम रे। गल में ब्लूमिन ट्रिवेली है, आपको लगता है कि फिर ज़्यादा बड़ा है तो बेल्ट यूज़ कर लें, वरना आप ये छोटा है। एक मीडियम लेवल ड्रैग मैंने रखा है, और इसमें ड्रैग साउंड ज़रा सुना दे साजिद नज़दीका का, खूब छोटा है इसमें, जो जिग का सी स्टूक मैंने लगाया है इसमें, वीडियो को सीधा बनाऊँ, ड्रैग अभी टाइट कर देता हूँ। जैसा मैंने कहा कि इस बार मैं इसको निकाल दूंगा, तो कोशिश तो थी क्योंकि एक बार अच्छा चेस किया था। जबरदस्त फीडिंग चल रहा है, जबरदस्त फीडिंग चल रहा है, और मैंने ये अपना दूसरा ग्लोफिन ट्रिवेली निकाला है भाई, ग्लोफिन ट्रिवेली उसको फिश के अंदर डाल लेता,
एक्सलेटर ले लो जल्दी, पकड़ लो खाना। बूम बेबी ओहो, एक ट्रिवियल ही चीटी आइसक्रीम के पीछे पीछे आया था यहाँ पर मैग्नम पे। ओ बूम बेबी, बूम बेबी मैन, बूम बेबी चीटी आइसक्रीम में फुल ड्रैग में। मैं एक पल के लिए घूमा, ओ बहुत ही कम पानी है, हमें शैलो वाटर है। एंगलर अजीज आज, ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ ये बहुत ही कम पानी है। बहुत ही कम पानी है, ब्लू फिन ट्रिवेली है, ब्लू ब्लू आए हैं, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। बूम बेबी, ब्लू फिन ट्रिवेली जीटी आइसक्रीम में। गोदी में लो पूंछ के साथ पकड़ के जाओ जल्दी। शाम को ड्यूटी जाने में बदली को फोन नहीं करना, ठीक है? ओ बूम बेबी मैन, तो सेकंड जीटी लैंड किया अजीज ने। जैसे बड़ा कोई फिश आपको के लूर को कैच कर लेता है, उस टाइम अपने दिमाग को शांत रखें, ओवर एक्साइटेड ना हो जाए। तो आप क्या करते हो, गलती कर बैठते हो कि ड्रैग वगैरह टाइट कर देते हो, जरूरत नहीं है उसका। एक ड्रैग आपने सेट कर दिया है, इनफ। इस वीडियो में आपने देखा अजीज कितना शांत था, और एक प्लेयर को जरूर रखें, तो बार बार हम बोलते हैं, देखें पूरा ट्रबल लुक जो है ले लिया अंदर। करता हूँ कि आज का जो आपने वीडियो देखा है, वो आज का वीडियो आपको बहुत मज़ा आया होगा। और कुछ ऐसे वीडियोस के लिए अगर आपको देखना है ऐसे वीडियोस अंडमान निकोबार आइलैंड से, और हमारे चैनल में ये वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको चैनल को पहले लाइक करना है, उसके बाद कमेंट्स करना है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो काम है जिसके लिए मेहनत करते हैं वो है सब्सक्राइब करने के लिए। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक मकसद है कि हमारा जो एक चैनल का मकसद है कि वो बिगिनर्स को हम टारगेट किए हुए हैं, और बिगिनर्स तक रॉड फिशिंग की जानकारी को हम शेयर करना चाहते हैं। हमारे इंडिया में क्या वर्ल्ड में प्रो एंगलर्स, बड़े बड़े एंगलर्स हैं,
लेकिन हम अंडमान निकोबार आइलैंड से कुछ तीन एंग्लर्स ऐसे हैं जो कि बिगिनर्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं कि रॉड फिशिंग की तरफ आप आएँ। बहुत बढ़िया गेम है ये, बहुत ही बढ़िया एडवेंचर है ये, और ऐसे एडवेंचर्स को आपको मिस नहीं करना है। तो गाइस, होप करता हूँ कि आपने आज का पूरा वीडियो देखकर अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए फिश के साथ। तो ये अजीज़ लेकर निकल रहे हैं फिश को, ये है अंडमान चींटी। तो नए कुछ वीडियोस के साथ फिर से हम आपके साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।